जब आपकी हुकूमत आई तो आप लोगों ने एक दो बयान दिए थे कि गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बनाया जाएगा, ये जो बिलावल चौरंगी है उसके पास जो सारी दीवारें हैं वो हटाई जाएंगी, सिक्योरिटी कम की जाएगी, पर एनीथिंग कुछ? एक्चुअली जो दीवारें हैं वो हैं तो इलीगल, लेकिन हाँ वो स्टे है कोर्ट से, सो यू कांट डिमोलिश इट। और जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं जाते आपको समझ नहीं आती चीज़ की कैसे, कितनी रुकावटें और रेड टेपिज्म इसमें ठीक होता है। है। व्हेन आई ट्राइड के इसकी गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा के जो लॉन्स हैं वो उनको पब्लिक किया जाए तो वो सिंध गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बिकॉज ये सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है। लाइब्रेरी उसमें नहीं बनाने दी, कायद अजम की बिलोंगिंग्स उसमें नहीं लाने दी, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें। लेकिन फिर भी मैंने इसमें कोर्सेज कराए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शॉर्ट कोर्सेज इसमें करवाए। जी। वो बेचारे का इंतकाल हो गया, उनायद लखानी का दोस्त हमारा, उसके साथ मिलके। आप जनाजा देखते तो आप लोग हैरान हो जाते। इकरा यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है ज़ाहिर है 10,000 और तो उसका स्टूडेंट है। हाँ बिल्कुल। देखने वाला समा था वहाँ पे, देखने वाला। बेचारे की नागानी मौत थी, बड़ा बिल्कुल। अनबिलीवेबली वो और उसका वो इंतकाल हो देखें वो गया लोगों के लिए, और डेंगू से मेरे ख्याल से। डेंगी से, हाँ, और डेंगी ये उसका खराब सैलाब के हुआ। दिनों में वो लोगों की मदद के लिए वहाँ गए हाँ हुए थे। वो फिलंथ्रोपिस्ट तो था ना, वो हाँ बहुत ज़्यादा वो लोगों की मदद करने में सबसे आगे आगे था। हमारे साथ भी एफिलिएशन थी उसकी, लेकिन जिस तरह उसका इंतकाल हुआ, मुझे 2 दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि वो डेंगी से साउथ सिटी हॉस्पिटल में है तो उसे मिलने चलते हैं। जब मैं गया तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी मिल नहीं सकते, वो क्रिटिकल है। एंड नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई कि उसका इंतकाल हो गया। अनबिलीवेबल था। मतलब हम सारे शॉक में चले गए थे। हमने कहा यार ये अभी तो उस दिन एक जगह पे मुलाकात हुई तो वो बताने लगे कि यार मैं ये कर रहा हूँ सैलाबजदगान के लिए, ये सारा सिलसिला चल रहा है। एंड फैसल देयर इज अ लेसन टू इट कि दिस इज लाइफ। और इतनी ताकतवर अल्लाह ने इंसान को बनाया, बिल्कुल बस बिल्कुल। इतना, एक मच्छर ने काटा और गया। बिल्कुल। और फड़े बंदा कितनी मारता है जिंदगी में, ये हाँ कर एंज कर देगा तो ऊंज कर देंगे, तो मत्थे रंग देंगे, तो पट्टे चक देंगे, कुछ भी नहीं। इंसान की औकात ही नहीं है कुछ। कोई औकात नहीं है इंसान की। एक अगली अगली सांस तक पे हमें जो है ना वो इख्तियार नहीं है, बिल्कुल। और ये अल्लाह के हाथ में है। मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि रमज़ान है, थोड़ा सा कदर करें इस रमज़ान की, और सोचें बैठ के कि यार क्या वजूहत हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुई हुई हैं। आमिर लियाकत हुसैन के रमज़ान में बड़ा देखें ख्याल आता है उसकी, कैसे हम तो बाकायदा आमिर को ट्रिब्यूट कर रहे हैं हर दिन। हम जो यहाँ की उनकी यादें हैं वो हम शेयर करते रहते। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।